और ज़्यादा डर पैदा हो रहा है, लोगों में भ्रम यह पैदा हो रहा है कि सही में ये कोरोना वायरस इतना डेंजरस है क्या, नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तक नंबर्स का सवाल है, अभी भी इंडिया में 0.1 पर मिलियन पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो रहा है। अमेरिका में 5 पर मिलियन को है, चाइना में 50 पर मिलियन को था, इटली को 250 पर मिलियन के अंदर में था। तो इसका मतलब है अभी भी हमारे देश के अंदर में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। जब तक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होता है तब तक हम स्टेज 2 में हैं, यानी कि या तो प्राइमरी केसेस हो रहे हैं या सेकेंडरी केसेस हो रहे हैं और हर केस का हम कॉन्टैक्ट ढूंढ पा रहे हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर में हमारी प्रिकॉशंस बाकी कंट्रीज़ की प्रिकॉशंस से डिफरेंट होंगी। डेथ तो होंगी क्योंकि हर डेथ का जो रेट है वो 3% है। भारत में 80 केसेस हो गए हैं, अगर 100 के अंदर में 3 लोगों की डेथ होनी है तो 2 लोगों की डेथ 80 के अंदर में एक नॉर्मल डेथ है, हम इसको पैनिक नहीं बोलेंगे। आइसोलेशन वार्ड कोरोना प्रिवेंशन के लिए रखा है। क्वारंटाइन पीरियड 14 दिन होता है, 14 दिन के लिए हम लोग सस्पेक्टेड केस को पहले रखेंगे, इसके बाद अगर उसको सिम्टम आता है तो हम लोग PMCH में उसका व्यवस्था करेंगे, जो नोडल बिहार का पटना का सेंटर है जहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे 10 बेडेड है और जितना भी अत्याधुनिक सरंजाम है यहाँ पे उपलब्ध है, जैसे कि वेंटिलेटर, बाईपेप मशीन, जैसे कि नेबुलाइजर जो पल्मोनरी प्रॉब्लम के लिए कोरोना का उत्पन्न होते हैं उसके प्रिवेंशन के लिए ये हम लोग रखे हैं। और बाकी जो भी है कॉन्टैक्ट केस, जैसे ड्रेस चेंज करके अंदर आना, उसके लिए एक एक्स्ट्रा रूम रखा गया है जिसमें ड्रेस चेंज करके उसको प्रोटेक्टिव गियर का साथ, मास्क के साथ अंदर आने का होना। फोर आवर्स कंट्रोल रूम बना है जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर है और उसमें एक एग्जामिनेशन, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एक टीम लिया है, उसमें एक डॉक्टर कौशल है और 2 सिस्टर है और एक अटेंडेंट है। टीवीओ पर सारे प्रचार चल रहे हैं, सारे डॉक्टर सलाह यही दे रहे हैं कि कहीं भीड़ भड़ाका में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए तो मास्क लगा के जाइए कहीं, इससे क्योंकि छींकने से, खांसने से ज़्यादा फैलता है, तो इसे सुरक्षित रहे इसलिए 20 रुपये में अभी मास्क खरीदे लगा के। किसी से मिलने आया हूँ हॉस्पिटल में किसी मरीज को देखने के लिए। तो मन में कोई भय है? हाँ जी, डर तो है, डर ज़्यादा है। टीवी पर भी सुबह शाम देख रहे हैं कि आज यहाँ हो गया, आज इसी हॉस्पिटल के मौत दिखा रहा है कि एक बुजुर्ग औरत, 68 साल के बुजुर्ग औरत की डेथ हो गई है रात में।
प्रदेश में कुल 11 मरीज कोरोना फ्लू से प्रभावित पाए गए थे, जिनमें 10 का दिल्ली के सफदरजंग में उपचार चल रहा है, एक का लखनऊ में केजीएमयू में उपचार चल रहा है। प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में हर एक जनपद में 10-10 बेड के आइसोलेशन वार्ड कोरोना फ्लू से प्रभावित लोगों के लिए आइसोलेशन वार्ड के रूप में पहले से तैयार किए गए हैं। 24 गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी आइसोलेशन वार्ड बना करके हम लोग प्रदेश में 1268 बेड के आइसोलेशन वार्ड प्रदेश में अब तक स्थापित कर चुके हैं। लोगों में भ्रम ये पैदा हो रहा है कि सही में ये कोरोना वायरस इतना डेंजरस है क्या, नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और अभी ये महात्मा फुले गार्डन सुवेक नगर, यहाँ का जो गार्डन अभी सुबह सुबह घूमने आए हैं, सभी देख रहे हैं कि गार्डन बंद है, लेकिन लोगों के मन में इतना डर पैदा हो गया। इस वजह से भी यहाँ के जो नागरिक हैं, ज्येष्ठ नागरिक हैं, इनके मन में भी और डर ज़्यादा पैदा हो गया कि सही में कोरोना वायरस इतना डेंजरस है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें अभी।